कि कभी जो देखा पीछे मुड़कर कुछ साथ थे अपनों के छूटे हुए, जो बात करनी चाही कभी किसी से कुछ अपने मिले रूठे हुए। जिंदगी ने अपनों को छीना, अकेले जीने का एहसास दिलाया। सो माई मॉम वॉज द लास्ट मेम्बर ऑफ माई फैमिली, बाकी सारे उसके पहले ही एक एक करके ऊपर उन लोगों ने अपना केबिन बना लिया था, तो मेरी मॉम के लिए स्पेस रखा हुआ था। मैंने बोला था यार मेरी मॉम के लिए स्पेस रखना अच्छा था, तो मेरी माई मॉम वॉज द लास्ट मेम्बर ऑफ माई फैमिली, सो शी पास्ड अवे टू ईयर्स था, तो अब मैं अकेला हूँ। सो जिंदगी ने अपनों को छीना, अकेले जीने का एहसास दिलाया, वहीं जिंदगी की कुछ राहों ने कुछ अनजाने अपनों से मिलाया। हर वक्त एक नए गम की टीस, लगा जैसे ये जिंदगी एक बोझ है। हर वक्त एक नए गम की टीस, लगा जैसे ये जिंदगी एक बोझ है। वहीं कभी कुछ नन्ही खुशियों ने जताया, ये मेरी अलहड़ सोच है। खुशियों ने भी दी दस्तक दर पे, पर शायद थोड़ी रूठी सी थी। खुशियों ने भी दी दस्तक दर पे, पर शायद थोड़ी रूठी सी थी। कुछ वादे जो उनमें कभी पूरे नहीं हुए, कुछ बातें जो उनमें झूठी सी थी। हर पहलू जिंदगी का अधूरा, हर सपना खोया सा टूटा सा था। हर पहलू जिंदगी का अधूरा, हर सपना खोया सा टूटा सा था। हर वक्त खुद को मजबूत किया, मगर इस दर्द से मेरा रिश्ता शायद अटूट सा था। मनाया मैंने कि अब थोड़ी सी राहत मिले हर गम के गुजर जाने के बाद। तो मैंने बचपन से लेकर जब तक मेरी मॉम थी मेरे साथ, मैंने उनका स्ट्रगल पीरियड ही देखा है, स्ट्रगल को छोड़ के कुछ कभी करते हुए देखा नहीं। तो ये वो लाइनें हैं कि मनाया मैंने कि अब थोड़ी राहत मिले हर गम के गुजर जाने के बाद, पर आज जब सोचा कहीं बैठकर पाया कि ये गम जाएगा मेरे गुजर जाने के बाद। दर्द की बातें बहुत हुई, माना कि ये जिंदगी फंसी सी है। खुशी ना मिली ना सही, मेरे चेहरे पर ये हंसी तो है। आखिरी चार लाइनें हैं कि विदा लेने का समय आ गया, विदा लेने का समय आ गया, फिर कभी कहीं मुलाकात होगी, करेंगे फिर कभी कुछ अनकही अनसुनी, जब करने को इस जिंदगी में कोई बात होगी। नमस्कार, थैंक यू।